कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप प्रोग्रामिंग बना के इसको अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, ऊपर आइकन बटन में अगर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो अभी देखिए मैंने सॉफ्टवेयर को बना दिया है, अभी इस पर इनपुट दे दिया, 12 वोल्ट का इनपुट दे दिया है मैंने, और यूएसबी कंप्यूटर से यूएसबी हम लोग लगाएंगे। तो यूएसबी एक लगा दिया और एक यूएसबी कंप्यूटर का, दो यूएसबी हम लोग इस पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक यूएसबी, यहाँ पे के एक यूएसबी, ठीक है। तो दो यूएसबी मैंने दोनों तरफ लगा दिया है। अभी सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे जो स्विच आप दिख रहे हैं, यहाँ पे इस यूएसबी के साथ एक स्विच दिख रहा है, इसको हम लोग सिर्फ ऑन कर देना होगा, जो कि सॉफ्टवेयर डाटा इनपुट के लिए। तो इसको हम लोग अभी देखिए ये ऑन लिखा रहे, तो हम लोग इसको वन पे लेके आएंगे, आने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो वन पे लेके आते हैं, तो वन पे आ गया है। अभी इस पर 12 वोल्ट का इनपुट देंगे, देने के बाद हम लोगों को जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव कंप्यूटर पे लगाने के बाद जिस प्रकार से फाइल ओपन होते हैं, उसी प्रकार से एक फाइल ओपन होगा, वहां पे जाके हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो अभी अपलोड करके आपको दिखाते हैं। तो अभी देखिए मैंने सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दिया है, अभी हम लोग इसका पावर को ऑन करते हैं। तो पावर ऑन कर दिया, देखिए जो सॉफ्टवेयर मैंने इस पे अपलोड किया है वही सेम टू सेम सॉफ्टवेयर इस पे आ जाएगा। तो ये सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करने से देखिए यहाँ पे आ गया है, तो टच करने पर ये काम करेगा, देखा आपने। तो इसी स्विच के मदद से प्रोग्रामिंग करके हम लोगों को जो आर्डिनो है, आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे, इसका जो RXTX को कनेक्ट करके हम लोग किसी भी चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वायरलेसली ऑन ऑफ करेंगे, मतलब इसके अंदर एक ब्लूटूथ लगा देंगे। लगाने के बाद हम